नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं हेडलाइंस की तरफ। पूरे देश में मनाई जा रही है दीपावली। मृतकों के परिजनों से मिले शंकरमालाकार। महानंदा की स्थिति है बदहाल। अब खबरें विस्तार से। पूरे देश में हर्षोल्लास और उमंग के साथ आज बुधवार को मनाया जा रहा है दीपावली। शाम के समय देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की जाएगी पूजा अर्चना। जवानों के साथ दीपावली मनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ की पूजा अर्चना की। उत्तराखंड में हरसिल बॉर्डर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जवानों संग दिवाली मनाई। बुधवार सुबह गंगोत्री मार्ग पर पड़ने वाले हरसिल गांव के कैंट इलाके में भारतीय सशस्त्र बल के जवानों से उन्होंने मुलाकात की। उन्हें मिठाइयां बांटी और दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। मोदी ने हरसिल में जाकर जवानों से कहा, बर्फीले इलाकों में आपका ड्यूटी के लिए समर्पण देश को मजबूती प्रदान करता है। आपके चलते ही देश का भविष्य और 125 करोड़ लोगों के सपने सुरक्षित हैं। भारत आज रक्षा के क्षेत्र में दुनिया के अव्वल देशों में शुमार होता है। भारतीय फौज की बहादुरी की पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वह तीसरी बार बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। जलाभिषेक के बाद उन्होंने विशेष पूजा अर्चना कर परिक्रमा भी की। उन्होंने केदार घाटी में पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। राज्य के लोगों की मंगल कामना के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की मां शक्ति की आराधना। राज्य के लोगों की मंगल कामना के लिए खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने घर पर हर साल की तरह इस बार भी शक्ति की आराधना की। हर साल वह उपवास रखकर पूजा के आयोजन की तैयारी पूरे विधि विधान से करती हैं। उनकी भाभी कस्तूरी बनर्जी ने भी पूजा में उनका भरपूर सहयोग किया। इस बार मुख्यमंत्री आवास पर शाम के वक्त वृद्ध महिलाओं के साथ उन्होंने एक कार्यक्रम भी रखा, जहाँ राज्य के सूचना एवं संस्कृति मामलों के राज्य मंत्री इंद्रनील ने लोगों की फरमाइश, खासतौर पर सांसद अभिषेक बनर्जी की बेटी के अनुरोध पर एक के बाद एक कई गाने भी गाए। उल्लेखनीय है कि ममता बनर्जी जब योगमाया देवी कॉलेज में छात्र यूनियन करती थी, उस वक्त वह डीएसओ में थी। बाद में मतभेद हो जाने के बाद वह छात्र परिषद के परचम तले डीएसओ के खिलाफ मैदान में उतर गई। उसी वक्त उन्होंने डीएसओ को हराने के लिए शक्ति आराधना शुरू की थी। तब से लेकर आज तक वह लगातार अपने घर शक्ति की आराधना करती आ रही हैं। कुछ साल बाद ही वह काली पूजा की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री के घर की काली पूजा ने इस बार 40वां साल पूरा कर लिया है। चोपड़ा में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच हुए संघर्ष में मारे गए कांग्रेस कर्मी के परिवार वालों से नक्सलबाड़ी व माटीकरा के विधायक तथा कांग्रेस के नेता शंकर मालाकार ने किया मुलाकात। मंगलवार को चोपड़ा ब्लॉक नंदघोष ग्राम स्थित मृतक दलीय कर्मी के घर पहुंचे विधायक शंकर मालाकार। उन्होंने परिवार वालों से मिलकर सहानुभूति जताई और साथ ही साथ सत्ताधारी सरकार से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने और उनको कड़ी सजा देने की मांग की। कांग्रेस विधायक ने इस दिन लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत में एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस जनसभा में विधायक शंकर मालाकार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर जोरदार तरीके से हमला बोला और कई तरह के आरोप भी लगाए। जनसभा में कांग्रेसी नेता अशोक राय, फराजुल इस्लाम सहित अन्य स्थानीय नेता उपस्थित थे। मालाकार ने कहा कि पंचायत चुनाव के पहले से ही तृणमूल कांग्रेस द्वारा व्यापक स्तर पर हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन पर भी उन्होंने हमला करते हुए कहा कि वह राज्य सरकार के इशारों पर काम कर रही है और अपराध करने वाले लोगों को शरण दे रही है। कांग्रेस कर्मीरा गत पंचायत निर्वाचन पर শুধু চোপড়াতে দুইজন সংখ্যালঘু মানুষ খুন হলো, যারা আজ পর্যন্ত বিচার পেল না। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর পশ্চিমবাংলার একটা আজকে উল্লেখযোগ্য ব্লক চোপড়া শুধু সন্ত্রাসের জন্য, এবং এই সন্ত্রাস যারা করছে তারা আমাদেরই দুধ ভাত খেয়ে মোটা হয়ে আজকে আমাদের দলের লোককে খুন করছে। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী আসামে 5 জন বাঙালি খুন হওয়ার জন্য তার চোখের জল পড়ছে, আর তার বাংলায় প্রতিদিন সংখ্যালঘুরা খুন হচ্ছে, তার বিচার নাই। আজকে যে জনসমুদ্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তার মূলত কারণ তৃণমূলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এখানে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত স্তরের মানুষ আজকে একত্রিত হয়েছে এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। अलीपुरद्वार में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी अलीपुरद्वार आशुतोष क्लब के द्वारा भव्य काली पूजा का आयोजन किया गया है। इस बार क्लब के द्वारा इस वर्ष
70वीं बार काली पूजा का आयोजन किया गया है। इस वर्ष उड़ीसा के सूर्य मंदिर की तर्ज पर पंडाल का निर्माण किया गया है। पंडाल काफी भव्य बनाया गया है, साथ ही चंदन नगर से आए कारीगरों ने प्रकाश की साज सज्जा की है जो देखने लायक है। पूजा कमेटी के द्वारा गरीब लोगों के बीच शीत वस्त्र का भी वितरण किया जाएगा। চতুর্দশীর দিন আমরা প্রতিবারই এই পুজো করে থাকি, মহাকালী পুজো। এটা তান্ত্রিক মতে পুজো হয়, সারা পশ্চিমবঙ্গে মালদা আর আলিপুরদুয়ারে এই পুজো হয়। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र की अवस्था है बदहाल। डॉक्टरों की कमी के कारण जूझ रहा है स्वास्थ्य केंद्र। समस्या समाधान की मांग में गोजामुमो प्रतिनिधि मंडल ने दिया ज्ञापन। दार्जिलिंग जिले के बिजनबाड़ी इलाके में स्थित बिजनबाड़ी ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र इस इलाके का प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर विभिन्न चाय बागान इलाकों में रहने वाले लोग श्रमिकों के अलावा ग्रामीण निवासी इलाज करने के लिए आते हैं। इस स्वास्थ्य केंद्र में 60 बेड हैं और नियमानुसार यहां पर कम से कम 8 डॉक्टरों की नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन यहां पर एक भी सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं है, जिससे अस्पताल में इलाज करने वाले मरीजों को सही प्रकार से चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसी समस्या को लेकर गोजमुमो प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य विभाग के उप निदेशक डॉक्टर लियू संघ से मुलाकात की और एक ज्ञापन देते हुए बिजनबाड़ी स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्थिति को सुधारने की मांग की। मंडल ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में अच्छी चिकित्सा नहीं मिलने के कारण स्थानीय निवासियों और ग्रामीणों में रोष बढ़ता ही जा रहा है। अगर विभाग की तरफ से जल्द कोई कार्रवाई नहीं की गई तो यह जन आंदोलन के रूप में सामने आ सकता है। ज्ञापन में मांग की गई कि कम से कम 3 डॉक्टरों की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए। उप निदेशक डॉक्टर लियू संग ने बताया कि आगामी 8 नवम्बर तक कम से कम 2 डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी जाएगी। ज्ञापन देते समय कमेटी के प्रतिनिधि मंडल में मणि कुमार राय, श्रीमान राय, मनोज गुप्ता, अंजन गुप्त इत्यादि लोग उपस्थित थे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। एक कहावत है, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे। तो बेहुनरों से बचिए और हुनरमंद को ही काम दीजिए। फोटोज एंड वीडियोस आर मेमोरीज फॉर लाइफ, लीव इट फॉर प्रोफेशनल्स। For photography and videography, contact Somani Institute of the G Vision and Productions. Mobile number 9434023813. Interested to learn photography but don't have time on weekdays? Good news! We have started weekly classes on Sundays. Admission going on. Enroll now. Contact 7384634846. 7979745262983207809906. Address: Somani Institute of the G Vision and Productions, Ashram Pada, Ramkrishna Road, beside Angela High School, Siliguri. Break ke baad khabrein vistar se. दार्जिलिंग के बिजनबारी फुटबॉल प्रतियोगिता को मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने हेतु चर्चित खेलकूद संघ राइजिंग स्पोर्टिंग क्लब ने उत्तर बंगाल के प्रमुख न्यूज चैनल के एसके लाइव को सम्मान जताया है। दार्जिलिंग के बिजनबारी फुटबॉल प्रतियोगिता को मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने हेतु चर्चित खेलकूद संघ राइजिंग स्पोर्टिंग क्लब ने उत्तर बंगाल के प्रमुख न्यूज चैनल एसके लाइव को सम्मान जताया है। स्थानीय फैन चेटार खेल मैदान में हुए दीपावली कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में उक्त सम्मान खेल समिति ने जताया है। ज्ञात हो कि उक्त प्रतियोगिता के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर के रूप में अपनी भूमिका एसके लाइव ने निभाई थी। एसके लाइव ने खेल के शुरू से लेकर अंत तक के मैच का अपडेट दर्शकों के समक्ष प्रसारित किया था। सिलीगुड़ी के मातृसंघ जन कल्याण आश्रम में मंगलवार रात को महाकाली की पूजा अर्चना और आराधना सब कुछ संगीत के माध्यम से हुई संपन्न। इस महिषासुर मर्दिनी संगीत के गायक रहे मिहिर सान्याल सह उनके शिष्य एवं शिष्यगण। यहाँ पे भारी संख्या में उपस्थित थे भक्तगण। तो आइए देखते हैं माँ काली की पूजा अर्चना की कुछ झलकियाँ। Thank you.
उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी महानंदा की स्थिति है बदहाल, कैसे छठव्रती करेंगे पूजा बेमिसाल। उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी महानंदा की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि लगता है कि कोई गंदा नाला हो। छठ पूजा के अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन नदी की स्थिति में अब तक कोई सुधार नहीं देखी जा रही है। चारों बगल कूड़ा का ढेर लगी हुई है। देखना यह है कि कैसे प्रशासन इतने कम समय में पूरे नदी की सफाई कर पाती है। हालांकि नगर निगम की ओर से छठ पूजा आयोजक समितियों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। महापाला बाजार व्यवसायी समिति के 41वें सार्वजनिक काली पूजा का उद्घाटन किए उत्तर बंगाल के विकास मंत्री रविन्द्रनाथ घोष ने। कूचबिहार के माघपाला बाजार व्यवसायी समिति के मां काली के 41 फुट लंबे प्रतिमा के पूजा का उद्घाटन किए रविन्द्रनाथ घोष ने। इस अवसर पर उपस्थित थे जिला परिषद के सदस्य अब्दुल जलीज अहमद। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद थी। इस अवसर पर मंत्री ने सभी को शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी। साथ ही साथ उन्होंने मां काली से प्रार्थना भी की कि मां काली सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। इस दौरान उन्होंने सभी से आतिशबाजी रहित दीपावली मनाने का आग्रह किया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने तूफानगंज के अप टू डेट क्लब के मां काली पूजा के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पर दीप जलाकर पूजा का उद्घाटन किया। इस्लामपुर के द्वारीबेट हाई स्कूल में हुई गोलीबारी में 2 छात्रों की मौत को लेकर एक सभा स्कूल के मैदान में स्थानीय ग्रामवासियों एवं मृत दोनों छात्रों के अभिभावकों के बीच हुई। इस दौरान ग्रामवासियों ने मृत राजेश एवं तापस के परिवार वालों को ढांढस बंधाते हुए उनके साथ सदैव खड़े रहने का आश्वासन दिया। इस सभा में यह निर्णय लिया गया कि आज के दिन एक मोमबत्ती रैली निकाली जाएगी। इस सभा में काफी संख्या में ग्रामवासी मौजूद थे। বেলের ব্যবস্থা করানো, তাদের ছাড়ানোর ব্যবস্থা করানো, আরেকটা হলো যে কালকে দুই পরিবার বলবে স্কুলটা খুলবে কি খুলবে না, একটা মোমবাতি মিছিল হবে ব্যাপক মানুষকে নিয়ে, শেষমেশ ওরা বলবে, শেষের দিকে বলবো ওরা যে স্কুলটা খুলবে কি খুলবে না। আজকের জন্য এতটুকুই, আগে খবরগুলো বনে রাখুন এসকে লাইভ কে সাথ, আপনার সময় আপনি খবর, ধন্যবাদ।